हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जूफी कुकिंग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंडियन स्टाइल पास्ता। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और सभी को बहुत पसंद आती है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन स्टाइल पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम पास्ता, दो छोटे टमाटर कटे हुए, एक मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, एक इंच का अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने बारीक ग्रेट कर लिया है, एक छोटी हरी मिर्च कटी हुई, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पत्ता कटा हुआ, 1 टीस्पून बटर, 2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल, 2 से 3 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, 2 टीस्पून टोमेटो केचप। पास्ता बनाने से पहले पास्ता को पहले बॉईल कर लेते हैं। पास्ता को बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कुकर ले लिया है। अब इसमें सबसे पहले पास्ते को मैंने धो के ले लिया है, पास्ता ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 6 कप पानी ले लिया है, अब इसको ऐड करेंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा नमक मैं इसमें डाल दूंगी, बाकी का नमक मैंने बाद के लिए बचा लिया है। अब इसको ढककर गैस ऑन कर लेंगे और 2 सीटी आने तक पास्ता को गलने देंगे। दो सीटियां आ चुकी हैं, गैस मैंने ऑफ कर लिया था, उसके बाद मैंने पास्ता को कुकर की स्टीम में ही छोड़ दिया था। चलिए एक बार पास्ता को चेक कर लेते हैं। ये देखिए पास्ता हमारा गल चुका है। चलिए पास्ता को तैयार कर लेते हैं। गैस ऑन करके मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब इसमें सबसे पहले बटर ऐड करेंगे। बटर के मेल्ट होते ही हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को 2 सेकंड तक गर्म होने देंगे। अब इसमें ये बारीक कटा हुआ लहसुन, प्याज डालकर 1 मिनट तक भूनेंगे। एक मिनट हो चुका है, अब इसमें अदरक ऐड करेंगे, हरी मिर्च, टमाटर, अब इसमें पास्ता ऐड करेंगे। नमक, रेड चिली, टोमेटो केचप। थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब इसको अच्छे तरीके से मैश करेंगे। मसाले अच्छे तरीके से पास्ता में मिल चुके हैं। अब 1 मिनट तक ढककर पास्ता को पकने देंगे, उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे।
हमारा तैयार है। चलिए आइए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसको धनिया पत्ता से गार्निश कर लेंगे। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरी पिछली वीडियो देखने के लिए आपके स्क्रीन पे जो आई बटन है उसे क्लिक करें। मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।